आप ये समझते हैं कि आईपीएल की जो ड्यूरेशन है, विंडो है, वो 2.5 महीने की होनी चाहिए, जैसे कि जय शाह ने कहा है? ये बिल्कुल नाइंसाफी है। 2.5 महीने की कौन सी क्रिकेट इतनी लंबी ना, कोई टीम में इधर उधर सारे प्लेयर, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर सारे आईपीएल में आगे खेल रहे हैं, पाकिस्तान का कोई खेल भी नहीं रहा। ठीक है, अगर 2.5 महीने सारे प्लेयर आ जाएंगे, फॉरनर प्लेयर खेले, सीरीज कौन खेलेगा? हमारी आज आके सीरीज किसके साथ होगी? जिम्बाब्वे के साथ, नीदरलैंड के साथ। ये टीमें तो ऑलरेडी डाउन है। एब्सोल्युटली नॉट। क्या मतलब कि क्या वजह है? मतलब उनकी लीग उनकी मर्जी यार, उनकी लीग उनकी मर्जी। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि सिर्फ इंडिया नहीं खेल रही, पूरी क्रिकेट दुनिया की 12 ममालिक हैं। तो क्या सिर्फ अगर आईपीएल होता रहेगा तो क्या बाकी लोग बैठे देखते रहेंगे? दिस इज वलीद ज़रूफ। तो भाई एक और वीडियो के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। सवाल आज का बड़ा ज़बरदस्त। हमने देखा पिछले दिनों आईपीएल के टीवी राइट्स की कह सकते हैं ऑक्शन हुई थी, जिसमें 48,000 करोड़ के वो सेल हुए थे। लेकिन उसके बाद से बड़े सवाल खड़े हो गए। जय शाह जो इंडिया बीसीसीआई के कह सकते हैं बोर्ड के हेड है, उन्होंने कहा कि भाई सवाल ये है कि जब इतने महंगे राइट्स सोल्ड हुए तो भाई हमारी जो विंडो है आईपीएल की, जो ड्यूरेशन है, जो 2 महीने की थी, अब से हमें वो 2.5 महीने की चाहिए। जब ये बात आई तो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी रमीज़ राजा की, तो रमीज़ राजा ने भी कहा कि अभी तक ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन अगर ये कन्फर्म होता है तो जो आने वाली आईसीसी की मीटिंग है उसके अंदर हम इस बात को ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि जब आईसीसी की जब मीटिंग होगी हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। ऐसी सिचुएशन में जब आईपीएल इतनी लंबी हो जाएगी तो पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जब भी कोई सीरीज होती है जो प्लेयर्स होते हैं, मेन प्लेयर्स होते हैं, साउथ अफ्रीका होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, वो प्रेफर करते हैं आईपीएल को खेलना। तो इससे हमारा जो सीरीज़ होती है हमारा बड़ा नुकसान होता है, रेवेन्यू का भी लॉस होता है, जिसको कह सकते हैं सीरीज़ प्रॉपर नहीं होती है तो छोटी टीमों के साथ सीरीज़ होगी, लेकिन अगर किसी बड़ी टीम के साथ भी सीरीज़ हो तो मेन प्लेयर्स नहीं खेलते, जो कि पॉइंट वैलिड है। मैं भी इस बात से एग्री करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। लेकिन बात यह है कि अब लीग है इंडिया की, मर्जी वो जितनी मर्जी ड्यूरेशन की लीग करे उनका, क्योंकि उनका अपना कह सकते हैं प्रोडक्ट है। लेकिन जिसको कह सकते हैं मसले हमारे पाकिस्तान को इसमें बड़े आ रहे हैं, हमने देखा है आज का हर कोई बंदा इस बात पे बात करे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बना लूँ। तो मैं आगे इस वक्त आप देख सकते हैं ग्राउंड के अंदर यहाँ पे क्रिकेटर से बात करेंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा नॉलेज होती है क्रिकेट की, इनसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। क्रिकेट खेल रहे हैं, आए दिन लोगों से बातें करें, इनसे का पॉइंट ऑफ व्यू लें। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक बताएं। सर कि आजकल एक इशू चल रहा है, बड़ा लोग हर कोई बात कर रहा है। सवाल आपसे ये कि आप समझते हैं कि आईपीएल के जिसको कह सकते हैं ड्यूरेशन जो है टीवी पे देखने की क्या बढ़नी चाहिए? 2.5 महीने की उन्होंने कहा है कि 2.5 महीने तक हमारी ड्यूरेशन इसकी चाहते हैं आईपीएल की, आप समझते हैं? सर ये बिल्कुल नाइंसाफी है। 2.5 महीने की कौन सी क्रिकेट इतनी लंबी ना, कोई टीमें इधर उधर सारे प्लेयर, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर सारे आईपीएल में आगे खेल रहे हैं, पाकिस्तान का कोई खेल भी नहीं रहा। ठीक है, तो पाकिस्तान को सपोर्ट मसलन कि जब पाकिस्तान के अंदर सीरीज़ होती है तब अगर वेस्ट इंडीज़ आई है, ठीक है, तब भी मसलन कि उनके आधे से ज़्यादा प्लेयर, रसल हो गया, गेल वगैरह, जितने भी मसलन के प्लेयर हैं वो सारे उधर खेल रहे होते हैं। तो इससे तो फिर क्रिकेट नहीं ना होती है, इससे तो पाकिस्तान को भी नुकसान है, दूसरी टीमों के भी नुकसान है, वो अपने मुल्क से तो खेल नहीं। दूसरी टीमें कहती हैं हमें नुकसान नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो तो आईपीएल से पैसा कमा लेते हैं। सर वो तो पैसा कमा रहे हैं, उनको तो पैसा नज़र आ रहा है, वो पैसा कमाई जा रहे हैं। ठीक है, वो अपनी टीम से तो खेल ही नहीं, जब सीरीज़ होती है वो अपनी टीम छोड़ के तो आईपीएल में घुस जाते हैं और सारा पैसा उधर से कमा रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, बाकी तो टीमों को फ़ायदा नहीं ना हो रहा। आप ये समझते हैं कि रमीज़ राजा को इस पर बहस करनी चाहिए आईसीसी की मीटिंग के अंदर? जी बिल्कुल, रमीज़ राजा को बहस करनी चाहिए, पूरा सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तान भी सपोर्ट करेगा कि इनको 2.5 महीने नहीं, इनको बिल्कुल 1 महीने की आईपीएल करानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करानी चाहिए। कहते हैं कि आईपीएल के जो टीवी राइट्स हैं 48,000 करोड़ के बिके, तो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन गई हुई है, तो अब हमें हक है हमारा कि हम इतना महीने की करवाएं। सर अब देखें, अब उनको तो पैसा मिल रहा है ना, उन्होंने तो ये ऐसा करना है, अपनी सपोर्ट तो करनी है, जैसे इंडिया कर रहा है अपने आप को, मतलब कि अब 2.5 महीने की कराने लगा, फ़ायदा तो नहीं ना, बाकी सारे तो ऐसे ही खेलते रहेंगे। इसका एक और भी हल है, उस 2.5 महीने के अंदर पाकिस्तान के साथ जिसकी सीरीज़ हो उसके जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान के साथ ही खेलें, आईपीएल ना खेलें। बिल्कुल होना चाहिए ऐसा यार ज़रूर, क्योंकि जब लड़के आते हैं, बड़े प्लेयर आते हैं, फिर ही पाकिस्तान को सपोर्ट भी मिलती है, अच्छी क्रिकेट की देखने को मिलती है। जैसा पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, इतना मज़ा आता है देखने को कि इतने बड़े मैच 300-300 रन चेज़ हो रहे हैं, फिर इतना मज़ा आता है। बड़े प्लेयर आएंगे तो थोड़ा सा जो टारगेट होता है वो थोड़ा कम होगा और मैच देखने का भी मज़ा आएगा। पाकिस्तान ये भी बड़ा चल रहा है कि मेरा पैसा मेरी मर्जी, इसी तरह मेरी लीग मेरी मर्जी, वो भी ये कहेंगे, भाई ऐसे ही कहेंगे फिर वो मतलब कि आप इस हक में नहीं है। नहीं, मैं कह सकते टाइम ड्यूरेशन बढ़नी चाहिए, 2.5 महीने की होनी चाहिए। नहीं यार, ये ज्यादती है पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ, बहुत ज्यादती है। ज्यादती है, हम जानना चाहते हैं। ज्यादती इस तरह से है कि आप देखें पाकिस्तानी प्लेयर कोई भी नहीं खेलता। उसमें 2006-7 में जब पहला IPL सीजन हुआ था तब खेले थे हमारे बहुत बड़े नाम। सुहेल तनवीर बेस्ट उनका बॉलर था जिसने 6 आउट किए थे, 5 स्कोर देके। शाहिद अफरीदी और कामरान IPL को हिट करने वाले पाकिस्तानी थे। उन्होंने हिट किया, उनकी लॉबी को नहीं पसंद आया, उनकी लॉबी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को निकाल दिया। लेकिन ये तो निकाल दिया, आप कितने सालों से नहीं खेले। लेकिन बात ये है कि ड्यूरेशन की 2.5 महीने की उन्होंने कहा है कि हमारा हक बनता है क्योंकि हमने 48,000 करोड़ में IPL के राइट्स खरीदे, हमें टाइम ज़्यादा चाहिए। नहीं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। तो आप देखें ना, अगर 2.5 महीने सारे प्लेयर आ जाएंगे, फॉरनर प्लेयर खेलने, सीरीज़ कौन खेलेगा? हमारी आज आके सीरीज़ किसके साथ होगी? जिम्बाब्वे के साथ, नीदरलैंड के साथ। ये टीमें तो ऑलरेडी डाउन है। हमें चाहिए वो टीमें, अच्छी टीमें जिनके साथ हम खेल के ऊपर आए। लेकिन ये IPL की वजह से मुझे नहीं लगता कोई कुछ बेहतरी हो। इसका हल क्या है, मुझे हल बताएं। इसका हल यही है कि जो बिग 3 बनी हुई है इसको पहले ख़त्म करें। दूसरा, हमारे बोर्ड को चाहिए कि दूसरे बोर्ड के साथ मिलके ये बात करें, सब करें कि ये IPL की जो लॉबी है ये महीना 1.5 महीना जो टूर्नामेंट होता है उसी में रहने दे। बड़ी विंडो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। या तो इसका ये भी तो हल हो सकता है कि अगर हम कहें कि जिसके साथ हमारी सीरीज़ है, बिल फर्ज अफ्रीका के साथ सीरीज़ है, अफ्रीका के सारे प्लेयर पाकिस्तान के साथ खेलें, जब सीरीज़ ख़त्म हो जाए तब जाएँ IPL खेलने। ऐसा हो ही नहीं सकता बोझ। आपको पता है IPL वाले इतना पैसा गिरा देते हैं कि प्लेयर्स ने आना ही आना है। उनका बोर्ड भी, कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जैसे वेस्ट इंडीज़ का, जिनके पास नहीं है पैसे, उनको IPL ये टूर्नामेंट के ज़रिए ही आते हैं। तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है कि प्लेयर्स जो है ना कि सीरीज़ की बजाय IPL ही खेलेंगे, वो प्रेफर IPL। और हल भी ये है कि क्या पता पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलने लग जाए। ये तो नामुमकिन है यार। IPL जो मर्ज़ी हो जाए, इंडियन प्लेयर कभी भी ना तो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलेंगे ना तो अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को IPL में खेलने। फाइक भाई, मुझे ये बताएं कि सर सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आप ये समझते हैं कि IPL की जो ड्यूरेशन है, विंडो है, वो 2.5 महीने की होनी चाहिए जैसे कि जय शाह ने कहा है? एब्सोल्युटली नॉट। क्या मतलब कि क्या वजह है? मतलब उनकी लीग उनकी मर्ज़ी। यार उनकी लीग उनकी मर्ज़ी, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि सिर्फ इंडिया नहीं खेल रही, पूरी क्रिकेट दुनिया की 12 ममालिक हैं। तो क्या सिर्फ अगर IPL होता रहेगा तो क्या बाकी लोग बैठे देखते रहेंगे? यार IPL हम कह सकते हो आप, क्योंकि देखें ना पाकिस्तानी प्लेयर बैन है। अगर आपकी क्रिकेट में सारे अलाउ हों, जैसे अब हमारे तो कुछ मसले मसाइल ही बहुत हैं, अगर ये चीज़ अलाउ हो कि पाकिस्तानी भी हैं तो समझ भी आता है कि पूरी दुनिया से प्लेयर एक प्लेटफॉर्म पर जाके क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज़ को बैन किया हुआ है, हमारे कुछ उनसे मामला ख़राब हैं। तो अब हमारी देखें ना, हमारी सीरीज़ डिस्टर्ब होती है अगर कोई दूसरे मुल्क का प्लेयर है। हमारी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ चल रही है और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर IPL में होंगे तो क्या हम उनकी B टीम के साथ खेलेंगे? फिर पाकिस्तान पर यह टैग लगता है कि B टीम से जीत गए। बिल्कुल, सवाल आपने बिल्कुल सही किया। फिर वही लोग बातें करते हैं कि B टीम से पाकिस्तान खेल रहा है, तो मतलब कि ये तो ज़्यादा पाकिस्तान के साथ हो रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या इंडिया हमारी बात सुन लेगा, रमीज़ राजा की बात सुन लेगा और 2.5 महीने की विंडो नहीं रखेगा? देखें, प्रोफेशनलिज्म में ना चीज़ों को कुछ देखना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ इंडिया ही है, बाकी मुल्क भी हैं। और ICC के चेयरमैन जो हैं मेरे ख्याल से इंडिया के ही हैं कोई, आई थिंक, जो भी हैं। लेकिन उसमें और भी मेंबर्स हैं, कैबिनेट मेंबर्स हैं, तो सारे मेंबर्स की सारी सी बातें सुननी चाहिए और रला मिला ही फैसला होता है। कोई एक बंदा तो फैसला कर नहीं सकता, तो इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बंदे को फेवर दे दो और अगले बंदे को। आपकी नज़र में सोल्यूशन क्या होना चाहिए? देखें, आप अगर चीज़ों को मैनेज करके चलें, अलाइन करें तो हो सकता है। चाहे 2.5 महीने अगर उधर जा रहे हैं तो फिर आप बाकी शेड्यूल कुछ इस तरह का मैनेज करें कि कोई दूसरी सीरीज़ डिस्टर्ब ना हो, PSL डिस्टर्ब ना हो। फिर इस तरह हम भी कह सकते हैं कि PSL को आप 2.5 महीने दे दें। सवाल ये है कि अगर हमारी कोई सीरीज़ हो रही है तो फिर उसके ऊपर जिसको कह सकते हैं हुक्म आए कि मतलब कि ये जो प्लेयर्स हैं जैसे अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के हो गए, ये IPL में तब तक नहीं खेलेंगे जब तक सीरीज़ चल रही है। देखिए, सीरीज़ तो बात सारी ये है कि जो कंट्री होती है ना उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए लीग पे। तो जब बात क्रिकेट की आएगी तो जाहिर सी बात है अगर आपकी कंट्री है तो उसको आप प्रेफर करो। राशिद खान को आपको पता होगा, PSL में उसका फाइनल था लाहौर के साथ, उसने वो छोड़ दिया अपनी कंट्री के लिए। तो पैट्रियटिज्म भी किसी चीज़ का नाम है यार। बिल्कुल, आपने सही बात की। तो मतलब कि आप ये समझ रहे हैं कि अभी ये नहीं होनी चाहिए 2.5 महीने की? नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि इसको आप 2.5 महीने के लिए इतना एक्सटेंड करें। बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोग इतना देख के भी थक जाते हैं। तो